डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के डिस्कशन से पहले एक इम्पॉर्टेंट घोषणा। बीपीएससी ने आपके लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिया है। कल ही आयोग ने यह घोषणा कर दिया था कि 28 तारीख से स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे। तो आप जाएं नेट पे, वेबसाइट पे जाएं और अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर लें, निकाल लें और देख लें कि आपके सेंटर्स कहाँ हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो घटनाक्रम है वो सामने आया है, इसे आप ज़रूर कर लें। दूसरी बात ये कि आपसे कुछ घंटे के बाद जो हम लोग बीपीएससी का क्लोन टेस्ट कर रहे हैं उसका तीसरा सेट आ जाएगा कुछ घंटे के बाद। ये 30 क्वेश्चंस का होगा जिसमें कट ऑफ होगा 20 का। करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और बिहार, ये तीन टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न है बीपीएससी का हम लोग उसी तरह से कर रहे हैं। आइए आज के टॉपिक्स पर आते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री में मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश करेंगे। लेकिन खिलजी वंश शुरू करने से पहले अगेन हम आपको बता दें, जो पिछली बार हमने आपको आपसे नहीं कहा, जो क्राउन जिनके पास है या यूनिक है, क्राउन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है एक ही पेज में, इस वक्त दिल्ली सल्तनत के स्रोत कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हैं, जैसे हसन निज़ामी है, इसामी है, अमीर खुसरो है, अलबरनी है, उनकी रचनाएँ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलकनामा किसने लिखा, खज़ाइनुल फुतूह किसने लिखा, तो ये सब आप करेंगे। अलबरूनी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, किताबुल हिंद, तो ये एक जगह कलेक्टेड है, इसे आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में जरूर करें, एग्जाम में दिखाई देता है। और यहीं पर क्राउन में स्पेशली दिया हुआ है कुछ यूरोपियंस जो आए इस वक्त, निकोलो कोंटी, डोमिंगो पाइस, अब्दुल रजाक, अलबरूनी, ये कहां से आए, कैसे आए, क्या इनका कार्यक्रम था, ये एक जगह पेज में अगेन यहां पे दिया हुआ है यहीं पे। तो ये आप जरूर कर लें, मध्यकालीन भारतीय स्रोत, लेखक और यूरोपीय यात्रियों का आगमन, या फारस या ईरान या अरब से जो भी आए यात्री, उनका कलेक्शन यहां पे आपको दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा। अब आइए खिलजी हम लोग करेंगे। खिलजी में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का अभियान पहली बार दिल्ली सल्तनत का हुआ, फर्स्ट टाइम जो सल्तनत के काल के शासक है वो दक्षिण पहुंचे, ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ, खिलजी वंश में हुआ। मलिक काफूर ने पूरा दक्षिण का अभियान किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ेंगे। पहली बार अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने गठित की, विशाल सेना। उसके बाद इसका जो बाजार की नीति थी वो आप करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का काल भी यहाँ पर आएगा और कुछ महत्वपूर्ण बुक्स आएंगे, जो रचनाएं हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो ये कर लें। मॉडर्न में हम लोग करेंगे 1940 से 42, ये क्या होगा। 1940 में यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे लिलिथगो के प्रस्ताव से। लॉर्ड लिलिथगो जो इस समय वायसराय था, उसने भारतीयों को कुछ प्रपोजल्स दिए, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो भारतीयों के समर्थन के लिए ये कुछ प्रस्ताव लेकर आया लिलिथगो 8 अगस्त 1940। तो ये आप देख लें, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, एग्जाम में आता है लिलिथगो ने क्या प्रस्ताव दिया, अगस्त प्रस्ताव किसने दिया। पाकिस्तान, मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग यहीं पर लाहौर अधिवेशन में उठी, तो ये भी आप एक घटनाक्रम के रूप में देखेंगे। दूसरा, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है यहीं पर 1940 में। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने, जवाहरलाल नेहरू दूसरे बने, ये क्यों हुआ ये आप कर लेंगे। और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ कहाँ अस्थायी सरकारें बनी, बलिया में, सतारा में, मिदनापुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समानांतर पैरेलल गवर्नमेंट्स, तो ये आप कर लें मॉडर्न में, बस 42 तक। उसके बाद आइए हम लोग पॉलिटी में करेंगे इमरजेंसी, आपातकाल, 352, 356, 360 आर्टिकल्स, ये बड़े अच्छे से आप पढ़ें। आपातकाल कैसे लगता है, कितने दिनों तक प्रभावी रहता है, कब ये लैप्स कर जाता है, कितने दिनों के अंदर संसद से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, पहला राज्य कौन सा था जहां आपातकाल लगा, सबसे लंबे समय तक आपातकाल कहाँ रहा, ये ऑब्जेक्टिव बनाएंगे आप, तभी आप इससे एग्जैक्ट जो फैक्ट्स है वो समझ पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, एक पेज में दिया हुआ है, लूसेंट में तो एक पेज में है, क्राउन में एक पेज में है, ये आप कर लें। और एक और राजभाषा साथ में कर लें, आपातकाल के साथ इमरजेंसी के साथ राजभाषा एक और टॉपिक आप कर लें, आर्टिकल 343, ये आप कर लें। कितनी किसे हम राजभाषा कहते हैं, कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं कितनी हैं, कौन कौन सा इसमें संविधान संशोधन आया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप कर लेंगे पॉलिटी से। अब आइए साइंस में, साइंस में केमिस्ट्री में तत्वों की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल,
बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट? जितने भी तत्व खोजे जा चुके हैं सबको सजाया गया जहां पर, उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पहले मोसले ने, पहले मेंडलीफ ने, फिर मोसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर, मेंडलीफ ने परमाणु भार के बेसिस पे सजाया था। तो ये सब एग्जाम में आता है कि मोसले ने क्या आधार बनाया इस पीरियोडिक टेबल को बनाने का। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये सब साइज, उनका आकार, उनके क्रियाशीलता, ये सब आप पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में। और फिर बायोलॉजी में हम लोग करेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, मौत से शुरू होकर हमारा पूरा आहार नाल, स्टमक, इंटेस्टाइन, बीच में लीवर की क्रियाशीलता, ये सब जो भी है, कुछ पाचक रस बड़े महत्वपूर्ण निकलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे जूसेस, उन्हें भी आप करेंगे। तो ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में कर लेंगे, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। और फिर लास्ट में करंट में, अक्टूबर महीने का करंट हम लोग फिर करेंगे आज, मैगजीन में अक्टूबर मंथ, और नेट पे जाएंगे तो अगस्त महीने का। नेट पे आप जाएं, ऑब्जेक्टिव बना लें, 50 ऑब्जेक्टिव अगस्त मंथ के, नेट पे आप जाएं, वहां पे करंट रहता है। मैगजीन में 2 महीना आगे का लिखा हुआ होता है। तो ये कर लें और 50 क्वेश्चन आप बिहार का बना लें, उठा लें, कोई भी टॉपिक उठा लें, टॉपिक वाइज चाहे तो बना लें, चाहे मिक्स बना लें। 50 क्वेश्चन मान लेते हैं, भारत बिहार का भूगोल कर लें, बिहार की नदियां कर लें, बिहार में सिंचाई की व्यवस्था, बिहार में बिजली, बिहार में शिक्षा, 2011 की जनगणना, जो भी आप चाहें 50 क्वेश्चन आप कर लें। ये डेली हम लोग कर रहे हैं, तो इतना कर लें, बहुत कुछ काम होगा, इस तरह से हम लोग कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे 24 घंटे के अंदर। इसे आप जरूर करें, बड़ा लाभ इसका आपको मिलने वाला है। टेक केयर।